सावन में सूर्यास्त के समय जो महिलाएं ये 5 गलतियां करती हैं उनका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। सावन के महीने में अगर महिलाओं ने अपने घर में इन 5 गलतियों को गलती से भी कर दिया तो समझिए कि उनका पूरा घर बर्बाद होना तय है। और ऐसा कहना है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। गुरु जी का कहना है कि शास्त्रों में लिखा है कि अगर महिलाएं सूर्यास्त के बाद ये 5 गलतियां कर देती हैं और खासकर सावन के समय में तो ये उनके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा खुद नारायण भी अगर ऐसी गलतियों को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी उनके घर से भी किनारा कर जाती है, तो ऐसे में मनुष्य की औकात ही क्या है। तो कहीं आप भी अपने घर में जाने अनजाने ही इन गलतियों को तो नहीं कर रहे और अपने पति की बर्बादी का कारण खुद ही तो नहीं बन रहे। क्या आपके पति भी धन की तंगी से परेशान है और उनकी कार्य नहीं बन पा रही है और लगातार कोई ना कोई मुसीबत आपके घर में आती रहती है, पैसे संबंधी अड़चने आपके घर में होती रहती है या फिर तन मन और धन तीनों से ही आप परेशान है, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि भारत की संस्कृति कहती है कि संसार की हर औरत लक्ष्मी का स्वरूप है और माता लक्ष्मी की तरह ही महिलाएं अपने घर के शुभ और अशुभ कर्मों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अगर महिलाएं जो भी गलतियां करती हैं उसका परिणाम उनके परिवार को ही भुगतना होता है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के किए गए शुभकामना भी उनके परिवार के लिए हितकारी होते हैं। ऐसे में महिलाओं को अपने घर में कुछ विशेष कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए और सूर्यास्त होने के बाद सावन के महीने में भूल कर भी ये काम कभी भी नहीं करने चाहिए। जो महिलाएं विशेष नियमों का ध्यान रखती हैं तो ऐसे परिवारों पर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा बरसती है और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। तो जो काम महिलाओं को सूरज ढलने के बाद नहीं करना चाहिए उनके बारे में गुरु जी का कहना है कि महिलाओं को भूल कर भी सूरज ढलने के बाद अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और सूरज ढलने के बाद झाड़ू को स्पर्श करना वर्जित हो जाता है। लेकिन जिन घरों में सूरज ढलने के बाद झाड़ू पोछा होता है, घर की साफ सफाई की जाती है, घर का कचरा घर के बाहर फेंका जाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए आपको जो भी साफ सफाई करनी है वो आप सूरज ढलने से पहले कर लीजिए। सूरज ढलने के बाद आपकी की गई ये गलतियां आपकी तिजोरी को हमेशा के लिए खाली कर सकती हैं। इसी के साथ गुरुजी ने कहा है कि महिलाओं को सूरज ढलने के बाद अपने घर से दूध दही और नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो उनके कितने भी प्यारे पड़ोसी क्यों ना हो, क्योंकि जो दूध दही होता है इसका सीधा संबंध नारायण और माता लक्ष्मी से माना जाता है। और अगर आप शाम के समय में ये चीजें अपने घर की किसी और को दे देती हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी को उनके घर में दे देती हैं। तो दोस्तों ये गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है। साथ ही गुरुजी का कहना है कि महिलाओं को सूरज ढलने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में महिलाओं को सुबह 6 बजे तक स्नान करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो महिलाएं सूरज ढलने के बाद स्नान करती हैं, अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के सुहाग और उनके पति की उम्र धीरे धीरे कम होती है। साथ ही ऐसे घरों में दरिद्रता भी अपने पैर पसार लेती है। इसी के साथ गुरुजी का कहना ये भी है कि महिलाओं को भूल कर भी सूरज ढलने के बाद अपने घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए और ना ही कपड़े खुले आसमान के नीचे सूरज ढलने के बाद सुखाने चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को सूरज ढलने के बाद अपने घर में किसी के भी नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। पुराने जमाने की जो औरतें होती थी वो अक्सर कुछ विशेष दिनों में और सूरज ढलने के बाद बाल और नाखून काटना ये सारी चीजों को दरिद्रता की निशानी बताती थी, क्योंकि एक तरीके से ये सही हुई है। जिन घरों में ये सभी कार्य किए जाते हैं ऐसे घरों में माता लक्ष्मी भूल कर भी कदम नहीं रखती है, तो ये गलतियां भी आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि महिलाएं आज से अपने आप को सुधार लेंगी और गुरु जी की बताई हुई ये गलतियां अपने घर में बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको गुरु जी की बातें अच्छे से समझ में आ गई हूँ।